आहुक। और जो आहुक हुए इन्हीं के दो पुत्र पैदा हुए हैं, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन राजा बने हैं और उग्रसेन की एक पत्नी है जिसका नाम है पवनरेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता है। पवनरेखा देखने में बहुत सुंदर है, पवनरेखा और सुंदर तो है ही है लेकिन इसके विचार भी बहुत सुंदर है। और इस पवनरेखा का एक रोज का नियम और था भक्तों, क्या नियम था? जब ये पवनरेखा सुबह को जगती थी तो सबसे पहले ये अपने पति के दर्शन करती थी, पति के पैर छुआ करती थी, तब कोई घर का दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। क्षमा चाहेंगे, इतनी में भीड़ में हमारी माताएं मैंने बैठी है, अगर हम ये सवाल करें इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? अब वैसे समय छुती है। अब तो भैया वैसे पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम ही नहीं जो पति के पैर छूए जाए। जय नहीं मालूम पर सूर्य मुदे या ना मुदे से पहले सही गई। और इन्हें जब सवेरे जगाओ, छह छह बार जगाओ, तो कहूं आंखें खुलती है। और आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसी में भाज सी साठाती सो तो मिली आदरा चली गई जा। अंतर है अब फर्क आ गया। पहले की स्त्रियां अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और वैसे ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो ना मानती है, मानती तो है लेकिन अब मानती है थोड़े समय तक। कब तक बोले तब तक, जब तक आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती तब तक खूब मानती है। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार, कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहते तब तक। वो कभी कहता है अरे नारी प्रेम जमाई लो करे। वैसे ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने और ना देखा हो तो अब किसी दिन अजवास करके जरूर देखना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मोह की तरफ देखते, बहु जेब की तरफ देखते, घर गिरते ही है। संजा को पैर दबाती जाए पापाई मन की काते जाए, देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब न पाए। फिर कहे औरत इस पवनरेखा का ये नियम था रोजाना सुबह को उठ के पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक लड़का और था जिसका नाम था कंस। और ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा